उधर में गालिब ऋषि भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए जा रहे थे, जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उस अंजलि की ओर निहारा, उसकी ओर देखा, एकदम क्रोध के आवेश में आ गए। पहुंच गए भगवान कृष्ण की सभा में। हे नाथ, हे प्रभु, आपके राज में और संतों का घोर अपमान हो रहा है। जैसे ये शब्द सुने ना, भगवान कृष्ण सिंहासन को छोड़ देते हैं, दौड़ करके मुनिवर के पास में आ गए। मुनिवर, क्या बात है, आप मुझे बताइए, किसी दुष्ट ने मेरा अपमान किया है, मेरी अंजलि का जल दूषित किया है, इसमें पार की ठीक डाली है। जब ऐसे वचनों को सुना, आज वो गालिब ऋषि भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जवाब दे रहे हैं, गालिब ऋषि से कह रहे हैं, और भैया जी महाराज तुम्हें किस क्या कह रहे हैं सुनेगा। आज भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, मुनिवर आप निश्चिंत रहिए, जिस दुष्ट ने ये घिनौना काम किया है, मैं उसको अवश्य ही सजा दूंगा, लेकिन मेरी सजा क्या है वो सुनिए, आप क्या कह रहे हैं भैया। हाय, और गालिब ऋषि से, अरे कृष्ण कन्हैया, और ऐसे पहुंच गंग पे छियो रे, अरे भीम के लकड़ी
परंतु अपनी चिता बनइयो रे। सुमे संग सुभद्रा है, मैं संग सुभद्रा है और लेके आऊ। अरे बात बता रहा दिल की, तू रो जाई और देखे दिल की। मैं रानी सुभद्रा को लेकर के आऊंगा, जैसे ही तुझे दिखाई दे तू दहाड़े मार करके रो जाना। आज वो चित्तसेन पहुंच गया है गंगा के किनारे, अपने बचाव के लिए चिता बना रहा है, उस पर लेट रहा है। इधर में देवर सिंह नारद आगे रानी सुभद्रा के पास में उसको समझा रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं भैया, सुनिएगा। रानी सुभद्रा खड़ी है, रानी सुभद्रा से चित्रसेन कह रहे हैं, हाय नहवे कूड़े। अरे तैयार सुभद्रा को, रानी सुभद्रा देवर सिंह नारद के साथ, नारद के साथ में गंगा के किनारे पहुंच गई। सोच रही है, अरे नहवे तू तैयार सुभद्रा को, और मन लहरग में खो। अरे देख सुभद्रा को, और देख सुभद्रा को चित्रसेन फिर धार मार के गिर गयो। तो आज देवर सिंह नारद के साथ में रानी सुभद्रा जहां चित्रसेन चिता पर लेटा है वही पहुंच गई। रानी गंगा की लहरों में मन खो गया, लेकिन इधर में वो चित्रसेन जैसे ही रानी सुभद्रा को निहारता है एकदम से रो जाता है। रानी सुभद्रा के कानों में आवाज पड़ती है, क्या हुआ भैया? अरे रोने की आवाज सुनी है, रोने की आवाज सुनी। नारद से वचन उचारो है, पतो लगा दे, पतो लगा दे, मैं दुखिया कह लखनियो भर के मारो है। अरे पतो लगा दे, मैं दुखिया कह लखनियो भर के मारो रे। इस तरीके से जवाब दे दिया, लेकिन इधर में समय बहुत कम है, कलाकार अपनी प्रस्तुति का इंतजार भी कर रहे हैं। आपके बीच में गाना पेश कर रहा हूं,